सबसे पहले एसी की बात करते हैं जो हमने आपको सबसे पहले दिखाया। अब स्टंट करते समय तो ऐसा सब कुछ होता रहता है, हमने इससे पहले भी आपको ऐसी कई वीडियो दिखाई थी। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट स्टंट करना। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो टैलेंट के नाम पर, ड्राइवरी के नाम पर सिर्फ गुड़ गोबर करते हैं, जैसे कि इस भाई साहब को देखो। YouTube पर वीडियो देखी है, इंडिया में तो ऐसे आसानी से ट्रैक्टर निकाल लेते हैं, वैसे ही आसानी से यहाँ पर ट्रैक्टर निकल जाएगा। घंटा जी, यहाँ पर तो ट्रैक्टर का एक घंटा बजा दिया भाई ने। ट्रैक्टर जैसे ही थोड़ा आगे से उठा, भाई साहब ने तुरंत साथ छोड़ दिया उनका। ट्रैक्टर भी लाइक ऐसा कौन करता है यार। अब उल्टा ही सही, लेकिन ट्रैक्टर तो बाहर आ गया, भेज देता हूँ। अब इसकी रेटिंग तो मुझे भी पता है कितनी मिलेगी। 0-0 अंडा नील बटे सन्नाटा। मुझे तो लेकिन अगले वीडियो में तो दोनों ही है, मतलब आप ही देखो। है तो है गजब का टैलेंट, लेकिन है कहाँ का? शायद पड़ोसी देश से लगता है, आपको पता हो तो बता दीजिएगा। बाकी इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने कभी ऐसा किया है या देखा है? और जिसने भी ये वीडियो डाला है, ये देखो इस धर्मन छपड़ को। अब पता नहीं कैसे, लेकिन उससे ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। वो ट्रैक्टर था गियर में, तो भी निकल लिया बिना किसी दिक्कत के। वैसे दिक्कत तो इस गाड़ी वाले को हुई होगी, बाकी ट्रैक्टर का तो इसमें कहीं बिगड़ा होगा डीजल के अलावा। अब इन दोनों का मालिक एक ही है तब तो ठीक है, वरना तो ट्रैक्टर वाले का खर्चा हो गया समझो। गाड़ी वाला बिना खर्चा लिए छोड़ेगा नहीं, इसलिए हमारे यहाँ पर सेफ्टी फीचर आ गया है। ये गियर में से ट्रैक्टर निकालने के बाद ही शुरू होता है। अगर आपके पास है ऐसा कोई डॉग तो उसे ट्रैक्टर के साथ ना बांधे, क्या पता वो भी ऐसा कोई कांड कर दे। अच्छा हुआ कि इसका ट्रैक्टर रोड की तरफ नहीं गया, वरना ये डॉग भी साथ साथ में जाता। अब इस फोर्ड के एक्सीडेंट को देखो। अबे कैसे हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन देखने में लगता है कि ट्रैक्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा। शायद पीछे वजन भी ज्यादा हो सकता है, बाकी ट्रैक्टर की फ्रंट डैमेज। वो लोग करते हैं जिन्हें मौत से डर लगता हो। मैंने जब से होश संभाला है ट्रैक्टर। अब इस फोर्ड के एक्सीडेंट को देखो। कंट्रोल हो गया होगा, शायद पीछे वजन भी ज्यादा हो सकता है, बाकी ट्रैक्टर की फ्रंट डैमेज हुई है अगले पहिए के साथ, और बाकी का तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। अब फोर्ड आ गया है तो एक और फोर्ड सही, जो नहर में फैला पड़ा है, जिसे निकालने के लिए 4 महीने आए हैं। देखो आप। जिंदगी की परवाह वो लोग करते हैं जिन्हें मौत से डर लगता हो। मैंने जब से होश संभाला है खिलौनों की जगह मौत से खेलता है। कर हो गया होगा है ना। अच्छा हुआ कि नहर ज्यादा बड़ी नहीं है और ज्यादा पानी भी नहीं है। अब इसमें ड्राइवर भाई साहब तो ठीक ही होगा, अगर उनके पिताजी शांत रहे तो, वरना। अब सच सच बताना, ऐसा करने पर आपकी हालत क्या होती है? बाकी है हो सकता है कि ये वीडियो रिवर्स हो, मेरा मतलब है कि ट्रैक्टर के साथ पहले ऐसा हो सकता है। इससे पहले कई वीडियो में दिखा चुका हूँ और कई बार बता भी चुका हूँ। कुछ पूछा मैंने कुछ ना, मतलब नहीं, किसी ने पूछा नहीं है, छोड़ो यार, सबको पता ही है। मैं लिखा को ये देखो।
हुकने वाला हुक थोड़ा अलग होता है, वो वाला ऑटोमेटिक हुक आता है ना वो होता है, तो उसमें ट्रॉली अलग हो जाती है कभी भी ऐसा होने को हुआ तो। अगर उसमें किसी ने पिन लगा दी तो फिर ट्रैक्टर उल्टे मुंह गिरेगा। अब उल्टे मुंह गिरने की बात आई गई है तो इस भाई साहब का कारनामा कैसे भूल सकते हैं। देखो आप, ऐसे हमने तो महिंद्रा का सिर पीट दिया है। ऐसा नहीं होता रे बाबा, ऐसा नहीं होता। अब इस वीडियो में ट्रैक्टर की ब्रेक आपको दिख रही है कि नहीं, जरा देखो तो। अभी भी कमेंट में पूछ रहे थे तो मैंने सोचा बता दूं। अब ये देखो ये कैसे पलटा होगा वो तो समझ आ रहा है। एमबी पुलाव चलाते समय भाई साहब से गलती से लेट गया है। अगर आप भी मेरी तरह ट्रैक्टर के बहुत बड़े फैन है तो बताइए कौन सा मॉडल है, मतलब कि ये कौन सा ट्रैक्टर है, मुझे तो पता ही है। आप कमेंट करो, मैं उसी में आपको बताऊंगा कि आप सही हो या गलत। अभी ना ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है मनीष कश्यप की आवाज में। ये देख सकते हैं ये भाई साहब लोग जो है इसी में मजा कर रहा है, देखिए। हाँ देखिए, ऐसे ऐसे लोग छुछुन के सर पर एप्पल नहीं नारियल गिरना चाहिए था, तो कम से कम हम उसे पढ़ना तो नहीं पड़ता। अब ये वीडियो है ट्रैक्टर ट्रैक्टर का, बस इसमें ऐसे ही फोटो है। ये ट्रैक्टर भी महिंद्रा का ही है वैसे, मतलब वो भी पहले वाले वीडियो की तरह कूद गया था कि क्या हुआ था, ऐसे देखने में तो पता नहीं चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि भाई ठीक हो। अभी स्वराज के हेवी ड्राइवर से मिलिए, मतलब ड्राइवर तो है ही नहीं, ड्राइवर तो डायलॉग बाजी करने गया है, वो भी गुजराती में। सुनिए आप। हमें रोड वच्चे आता हो ने तो हमने कोई एम नहीं कहतु के बापू तमे आ शू करो छो। बापू नो एक ज प्रचंड सवाल छे के ब्रेक लागे तो मारवानी, बाकी ठोकी देवानी। अरे बापू, ब्रेक लागे तो मारवानी, नो लागे तो ही मारवानी, नंकर मराई जावाना। वैसे भी ट्रैक्टर के सामने आने की कौन हिम्मत करता है, ना मारे तो फिर तो यही होता है। स्वराज आई गया है तो उसका एक और कारनामा देखो। जान पहचान के आसपास रहते हैं, अगर आप उनमें से हो तो कमेंट में जरूर बताएगा कि क्या है सच। अगर गलती से गिरी है तो भाई साहब के पिता सूर्यवंशी के भानु प्रताप जैसे ना हो, वरना तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उड़ाओ। खैर ऐसा नहीं हुआ होगा फिर।